आम आदमी पार्टी आज दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर, सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। इस समय मैं रोहिणी में हूं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ सुंदरकांड का पाठ करने के लिए पहुंचे हैं। ये रोहिणी का सेक्टर 11 है, प्राचीन श्री बालाजी मंदिर है, और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर हैं अपनी पत्नी के साथ, तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो श्रद्धालु हैं वो तो यहाँ हैं ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थक भी यहाँ पर होने बहुत लाजमी सी बात है। ये सुंदरकांड का पाठ आम आदमी पार्टी तब कर रही है, तब करवा रही है, जब 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर, जो एक उसका बड़ा चुनावी वादा था, उस वादे को वो पूरा कर रही है, तो उसको भुनाने की कोशिश कर रही है, क्या आम आदमी पार्टी उसका जवाब इस तरह के सुंदरकांड के पाठ से दे रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक तो 16 जनवरी आज मंगलवार है, तो आज के दिन सुंदरकांड का पाठ दिल्ली के अंदर हो रहा है, और ये भी घोषणा की है कि अब से हर महीने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में हर महीने सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा होगी। बहुत से लोग ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या जानना आपको चाहिए कि सुंदरकांड के पाठ का क्या मतलब है, तो समझिए कि सुंदरकांड का पाठ जो है, जो 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास ने महाकाव्य श्री रामचरित मानस की रचना की थी, ये अपनी भाषा में है, तो इस श्री रामचरित मानस के 7 कांड हैं, उन 7 कांड में से एक कांड है सुंदर कांड। इस कांड में वैसे तो जो श्री रामचरित मानस है, इसके महानायक हैं प्रभु श्री राम, लेकिन ये जो सुंदर कांड है, ये इसके जो नायक हैं, महानायक हैं, वो हैं हनुमान जी। इसमें बताया गया है कि किस तरह से हनुमान जी ने पराक्रम दिखाते हुए समुद्र पार किया और अशोक पाटिमा में सीता माता से मिलने के लिए पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? तो श्री रामचरित मानस में अलग अलग कांड हैं, 7 कांड हैं, तो बाल कांड से पता चलता है कि ये जो है श्री राम के बचपन की बातें इसमें होंगी। अयोध्या कांड से पता चलता है कि अयोध्या में जो कुछ हुआ उसकी बातें होंगी। अरण्य कांड से पता लगता है कि जब वनवास श्री राम व्यतीत कर रहे थे तब क्या क्या हुआ। तो सुंदरकांड का क्या मतलब है? तो बात यह है कि जो लंका है वो मान्यताओं के अनुसार त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत का मतलब है कि ये 3 पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो जो पहला जो सुबैल पर्वत है, यहाँ पर श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला था, यहीं पर श्री राम रावण का युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत है, यहाँ पर रावण और दूसरे राक्षस जो हैं उनके महल थे, और लंका की जो आम जनता है वो यहीं रहा करती थी। और तीसरा है सुंदर पर्वत, जहाँ पे बाग बगीचे थे, खेती बाड़ी थी, तो यहीं पर अशोक वाटिका भी थी और सीता माता से हनुमान जी यहीं मिले थे सुंदर पर्वत के अशोक वाटिका में, तो इसलिए इसको सुंदर कांड कहा जाता है और माना जाता है कि सुंदर कांड का पाठ करने से हनुमान जी सभी तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं, विपदाओं को हरते हैं। तो संभव है कि आम आदमी पार्टी भी इस तरह का पाठ करवा कर अपनी विपदाओं का समाधान चाहती होगी, इसीलिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यहाँ खुद अपनी धर्मपत्नी के साथ सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। रोहिणी दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।